सभी बंद भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम टू मागो गेमिंग। स्वागत है आपका पबजी मोबाइल के एक और गेम प्ले वीडियो में। तो बात करें इस गेम प्ले की, तो मैं उतरा था रोजोक में, और रोजोक में हमारे बाद कुछ बंदों की लेट लैंडिंग हुई। उसके बाद मुझे मिली ब्रस्ट, और उसके बाद यहाँ पर आ गया था एक बॉट। सबसे पहले इस बॉट को मैंने पिस्टल से फिनिश करने का ट्राई किया, बट तब तक तो हमारे टीममेट को किल की बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। यहाँ पर से मेरा किल एक तो चोरी हो गया था। उसके बाद अब तक उधर से बंदों ने मुझे फायर भी जलाई थी। उसके बाद मैं यहाँ से लूट करके आगे निकला, और तब तक यहाँ मेरे टीममेट नॉक हो गए थे। तो सबसे पहले ऊपर गया मैं, उसके बाद सबसे पहले इसको फिनिश किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी इंटेंस फाइट है, तो सबसे पहले आप इस फाइट को देख लीजिए। तो यहाँ पर इसके बंदों को खत्म किया, और इसका एक बंदा नीचे चला गया था। तो यहाँ पर इस बंदे को किसी और बंदे ने मार दिया था। तो इस बंदे ने मेरा कुल मिला के एक किल चोरी कर लिया था। तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस बंदे को छोड़ने वाला था नहीं। इस बंदे को पहले आराम से मैंने बैरल से नॉक किया, उसके बाद इसके दूसरा टीममेट, इसको भी आराम से फिनिश किया। और इसको फिनिश करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले तो इनकी लूट ली, क्योंकि भाई साहब हमारे पास लूट बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद अभी इनकी टीम पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसका बंदा एक नॉक पड़ा हुआ था। तो हमने इसके दूसरे बंदे को ढूंढने का स्टार्ट किया, और ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, इसका बंदा हमें यहीं पर मिल गया था। ये था उसका लास्ट टीममेट, बट यहाँ पर बैरल में कुछ अटैचमेंट नहीं थी, तो बिल्कुल गंद स्प्रे मारा मैंने यहाँ पर, बट फिर भी कैसे भी मैंने उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद ये शायद दूसरी टीम का बंदा है, इसको भी आराम से क्राउच एंड शूट से बिल्कुल फिनिश कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद घर में दूसरा बंदा आ गया था, जिसको मैंने बैरल से आराम से नॉक किया, और मैं इसको फिनिश करने के लिए जा रहा था, तब तक पहाड़ी से एसकेएस पड़ने लगी। शायद इसके टीममेट रहे होंगे वो। तो सबसे पहले तो इसको जाके फिनिश करते हैं, उसके बाद इन एसकेएस वालों को देखते हैं। उसके बाद वो बंदे वहाँ से इस तरफ, ये आगे एक रेड घर है वहाँ पर आ गए थे। तो मुझको बस उनमें से एक को नॉक करना था, उसके बाद डायरेक्ट रश करना था। और M4 से एक नॉक करने के बाद, उसके बाद डायरेक्ट हमने उस पर रश किया। तो सबसे पहले एक ग्रेनेड डाल देते हैं, और ये ग्रेनेड काम भी आया, इससे एक बंदा नॉक हो गया था। एक
और यहाँ पर ये दोनों बंदे भी आराम से खत्म। और उसके बाद यहाँ पर एक बॉट आ गया था जिसको मारने के लिए हमारी टीममेट ऐसे कूदे कि उस बॉट की हड्डी तक नहीं बची। उसके बाद यहाँ से हम आगे निकले तो यहाँ पर स्कूल के अपार्टमेंट में इस रेड हाउस में बंदे थे, तो यहाँ पर भी वही था, बस एक को नॉक करना था उसके बाद रस। और वही किया, यहाँ पर एक को नॉक किया, उसके बाद एक ग्रेनेड था तो ग्रेनेड मारा, बट पबजी के आजकल लैग इतने चल रहे कि ग्रेनेड देखो आप, ये ग्रेनेड भी पता नहीं क्या डिस्को डांस करके जा रहे अंदर। मगर जो भी हो, उसके बाद एक बंदा नॉक हो गया था पर अंदर जाके वो किल हो गया था, पता नहीं भाई कैसे। इसके बाद इसका एक टीममेट था वो नीचे चला गया था, उसने नीचे पर उससे पहले मैं ऊपर से कूद गया था और उसको भी आराम से फिनिश किया। उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके बंदे थे नहीं, तो हम वहाँ से गाड़ी लेके सीधा इस तरफ आ गए, जोन भी यही लगा हुआ था तो ऊपर गाड़ी थी जहाँ पर बंदे थे। तो सबसे पहले तो हमने घर में आए, और यहाँ पर इस बंदे पे एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद पीछे से फायर आया बट तब तक हमारे टीममेट इसको आराम से खा दिया था। अरे भाई कितनी खुशी हो रही चाचा को, ऊपर से ऊपर से ऊपर से। उसके बाद हमारा पूरा फोकस था इन ऊपर वाले बंदों पे। मुझे लग रहा मांगो तो मैं बस एक एंगल का इंतजार कर रहा था कभी बंदे मुझे दिखे और कब मैं इनको M4 से नॉक और फिनिश करूं। यहाँ पर हमारे टीममेट ने एक बंदे को गिरा दिया था, हम चाहते तो वहाँ पर रस कर सकते थे बट हमारे पास कंपाउंड था और ये पूरा सेफ था और ये हमारे लिए आगे जाके फायदेमंद भी साबित हुआ। और यहाँ पर एक बंदा था बट वो यहाँ पर ग्लिच था, शायद वो रीच के कवर में था और यहाँ पर से ऐसा लग रहा था कि वो रीच में नहीं है। मैंने उस पर ट्राई किया बट कनेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने मेरे टीममेट को गिरा दिया था। तो सबसे पहले इस टीममेट को रिवाइव देते हैं और जब मैं इसको रिवाइव दे रहा था तो तब एक और गाड़ी आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा एक IQ नीड करते हैं। मैंने इस नीड को पहले कुक किया और मैंने सोचा कि इसको ऊपर फेंक देता हूँ सीढ़ी में, बंदा आएगा और आराम से खेल, बट तब तक इसको ऊपर वाली पार्टी ने मार दिया था और यहाँ पर मेरे मुंह से एक और किल छीन लिया गया। बट फिर भी कोई बात नहीं, इन बंदों का हम आराम से मारेंगे। और यहाँ पर इस बंदे की गलती थी, ओपन में आ गया था। इस बंदे को मैं पूरा टाइम लेके आराम से नॉक करता हूँ। यहाँ पर ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है आजकल पबजी में। इस बंदे को पूरा आराम से नॉक किया M4 के टैप फायर से। उसके बाद एक गाड़ी के पीछे चला गया था बट गाड़ी के नीचे जिसकी हल्की बॉडी दिख रही थी, जिससे मैंने इसको आराम से फिनिश कर दिया। उसके बाद इसका दूसरा बंदा भी आया था वहाँ पर, तो मैंने सिर्फ ऐसी रैंडम शॉट ट्राई किया बट उस पर कनेक्ट हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भी आराम से फिनिश कर देते हैं। एक हेड लगा इस पर बट उसके बाद उसके टीममेट ने बोल दिया कि पीक मत कर देना दोबारा,
भाई इसने पूरा हेड डैमेज कर दिया था मेरा। उसके बाद मेरे पास एक मेडिकेट था, तो मैंने सोचा कि दोबारा ट्राई करते इस पर एम लेने की। तो मैंने इस बार दोबारा दूसरी खिड़की से ट्राई किया, बट इस बार का हेडशॉट ने मेरा हेलमेट उड़ा दिया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल गायब ही कर दिया। इसके बाद मैंने कुछ पीक नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक हेलमेट की ज़रूरत थी, तो जो नीचे बंदा गाड़ी से नॉक किया था, सबसे पहले वहाँ पर मैं एक स्मोक डालता हूँ कवर के लिए। उसके बाद इस घर के पीछे से जाता हूँ, वहाँ से अपने लिए एक हेलमेट लेके आता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक फ्रेश हेलमेट मिल गया था लेवल सेकंड का। उसके बाद वहाँ पर से मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पर एक बंदा पेड़ के पीछे आराम से बैठा रहता है, जिसको कि मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद सिर्फ एक बंदा रह जाता है, जिसको आप देखो मैं कैसे मारता हूँ। और अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर सेट कर लेना।